जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चौबे स्टडी जोन में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सामान्य कृषि विज्ञान। तो दोस्तों इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है, और इस चैनल पर जो भी नए हैं दोस्त तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। सिट्रस कैंकर बीमारी किसके कारण से फैलता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी फंगस और ऑप्शन डी बैक्टीरियम। तो सिट्रस कैंकर बीमारी किसके द्वारा फैलता है फ्रेंड्स? तो ये फैलता है आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश की ओर पौधे के मुड़ने को कहा जाता है? ऑप्शन ए जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी फोटोप्रोटिज्म फोटो प्रिज्म, ऑप्शन सी फोटो प्रियोडिज्म, ऑप्शन डी थर्मो प्रियोडिज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेती अरहर का बीज प्रति दर बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है? ऑप्शन ए 10 से 12 kg, ऑप्शन बी 12 से 14 kg, ऑप्शन सी 14 से 15 kg, ऑप्शन डी 15 से 20 kg। तो अगेती अरहर के बीज दर जो होती है वो कितने होती है, वो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 से 14 kg ही होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से धान की एक सुगंधित प्रजाति ऑप्शन ए जया, ऑप्शन बी टाइप 25, ऑप्शन सी टाइप 71, ऑप्शन डी टाइप 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टाइप 3 जो है। आगे निम्न धान के एक सुगंधित प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सा एक सेब का अर्धभावना मूल स्टॉक? ऑप्शन ए M106, ऑप्शन बी M91, ऑप्शन सी 64 M64, ऑप्शन डी M27। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, M106 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन ए 22.5%, ऑप्शन बी 25.5%, ऑप्शन सी 20.5%, ऑप्शन डी 46%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 20.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूंगफली में एक गुच्छेदार प्रजाति है? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी चंद्रा, ऑप्शन सी मुक्ता और ऑप्शन डी टाइप 28। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौशल जो है गुच्छेदार मूंगफली की प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज फार्मर बीज है? ऑप्शन ए प्रमाणित बीज, ऑप्शन बी आधार बीज, ऑप्शन सी नाभिकीय बीज, ऑप्शन डी प्रजनक बीज। तो कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है प्रमाणित बीज हो जाता है, फार्मर बीज के नाम से जानते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। दाने हेतु ज्वार का बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होता है? ऑप्शन 18 kg, ऑप्शन बी 16 kg, ऑप्शन सी 12 kg और ऑप्शन डी 20 kg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 kg होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फल विज्ञान का अध्ययन करना उसे कहते हैं? ऑप्शन ए टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी इंटोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फल से संबंधित किसको अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी में करते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।